कैसे हो बेटा? आशा करती हूँ सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। देखिए बेटा, जैसा कि आप सभी जानते हो, लास्ट ईयर भी आपकी पढ़ाई ऐसी हुई थी, सब्जेक्ट टीचर आपको वीडियोस भेजते थे, क्वेश्चन आंसर सभी भेजते थे। तो आपने लास्ट ईयर, हम सभी टीचर्स ने ऑब्जर्व किया कि आप सभी बच्चों ने रिटर्न वर्क करने में बहुत ज़्यादा लापरवाही की थी। बेटा प्लीज़, सभी से रिक्वेस्ट है कि अब की बार अपने रिटर्न वर्क में कोई भी लापरवाही ना करें। हर सब्जेक्ट का कंटिन्यू जो टीचर आपको कहता है फेयर में करने के लिए, रफ में करने के लिए, वो करिए। अगर आप नहीं करोगे तो बेटा आपका ही नुकसान है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट भी नहीं चाह रही कि अभी स्कूल खुले। जब हमें परमिशन मिलेगी तब आप हमसे स्कूल में मिलोगे बाई फेस, तब आपकी फिर से वो रिविजन हो जाएगी। तो अभी जो चल रहा है, हो सकता है ये लंबा चले, हो सकता है लंबा ना चले, पर जितना काम आपका ऑनलाइन हो रहा है वो सभी आप अपने अच्छी तरह से सीरियस होकर अपने नोटबुक में करिए। ठीक है बेटा? तो देखिए, जैसे हमने कल हमने अपने हिंदी में चैप्टर 2 की हमने रीडिंग लगाई थी, वो मैंने आपको समझाया भी था, उसकी स्टोरी भी बताई थी, सभी कुछ करा था, वो चैप्टर हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया है। ठीक है, आज हम उस चैप्टर के क्या कर रहे हैं, शब्दार्थ कर रहे हैं। ठीक है बेटा, देखिए उसी चैप्टर के शब्दार्थ। सबसे पहले आता है चाव, आया था ना जब आप वर्ड में चैप्टर पढ़ रहे थे, जब कि लेखक, वो जो लेखक था वो अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था। तो चाव क्या होता है? चाह या तीव्र इच्छा। अगला है सलाख, धातु की छड़। ये सलाख कब आया था? कि वो चूड़ियां लगाता था ना साइज बनाने के लिए, वहां पर यह वर्ड आया था सलाख, धातु की छड़ या वो सलाई जो होती है। मुंगरी, मुंगरी क्या होती है? गोल मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है। मतलब कि क्या था, जब लेखक जो था उन चूड़ियों को उसमें डाल देता था पूरी तरह से, फिर उसमें उनको ऐसे ऐसे उसमें ठपकी ठपकी मारकर उनको अच्छी तरह से प्लेन करने का काम करता था, वो मुंगरी होती थी। ठीक है, पैतृक, पिता से प्राप्त, यानी कि आपने सुना था ना कि पैतृक व्यवसाय क्या होता है, जो पिता से प्राप्त होती है, यानी कि हमारे पापा भी वही करते थे, उनके पापा भी, जो हमारे पुश्तैनी जो हमारा व्यवसाय चला रहे उसको बोलते हैं पैतृक। ठीक है, अगला है खपत। खपत क्या होती है? माल की बिक्री। हम कहते हैं भाई हमारी तो इतनी गेहूं की इतनी खपत हो गई, यानी कि इतनी बिक्री हो गई, ये इतना लग चुका है। अगला है वस्तु विनिमय। जब चैप्टर पढ़ा रही थी तब भी मैंने आपको बताया था वस्तु विनिमय, जैसे कि इसमें वस्तु और विनिमय दो वर्ड देख रहे हो। तो एक जा पहले क्या होता था, किसी के पास कोई चीज, मतलब कि अनाज वगैरह कोई उगाते थे, किसी के पास कुछ एक ही अनाज उगाता था कोई दूसरा, तो इस तरह मान लो मेरे पास क्या होता है, गेहूं ज्यादा होता है और किसी दूसरे बंदे के पास बाजरा ज्यादा होता है, तो हम दोनों, मैं उसको गेहूं दे दूंगी वो मुझे बाजरा, यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ले लेना, इसी को हम क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय। पैसों से न खरीद कर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना, ये क्या होता है, वस्तु विनिमय। देखिए नेक्स्ट, कसर। कसर क्या है? कमी। मतलब हम कसर नहीं छोड़ेंगे किसी भी मामले, हम पढ़ने में कसर नहीं छोड़ेंगे, कमी नहीं छोड़ेंगे। नाजुक, कोमल। पगड़ी, पाग। मरहम पट्टी, जख्म का इलाज। मरहम पट्टी क्या होती है? जैसे किसी को लग जाती है तो हम फर्स्ट एड देते हैं ना, तो उसके पट्टी वट्टी दवाई वाई लगाते, वो है ही मरहम पट्टी। मचिया, चोकोर फाग। आपने देखा होगा कि जब लेखक बदलू काका के पास जाते थे तो बदलू काका उसके लिए मचिया मंगवाते थे बैठने के लिए, और ये मचिया क्या होती है? चोकोर खाट, जिसको आज कल गांव में क्या बोलते हैं, पीढ़ा जिसको बोलते हैं, ज्यादा साइज बड़ा नहीं होता, खाट की तरह होती है, वो चोकोर होती है। मुखातिब, देख कर बात करना, मतलब फेस टू फेस। देखो इसमें मुख शब्द आया है ना, सामने एक दूसरे का मुख, मुखातिब क्या होता है? देख कर बात करना, आई कॉन्टेक्ट करके। डलिया, बांस का बना एक छोटा पात्र। जब बदलू काका ने रज्जो को जब बुलाया था तो वो आम लेकर आई थी, इसमें एक डलिया में लेकर आई थी, वो डलिया क्या होती है, टोकरी से होती है जो बांस की बनी हुई होती है। अगला क्या है? फबना। फबना सजना या शोभा देना। अब इसमें फबना आया था ना, जब रज्जो के हाथ में लेखक ने चूड़ियां देखी थी तो उसको उसने ये महसूस किया था कि ये चूड़ियां तो इसके हाथ पर जो है बहुत ज्यादा फब रही है। तो बेटा ये इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। अब इसके आगे मैं आपको एक दो क्वेश्चन और करवाती हूँ। ठीक है बेटा, चलिए बेटा देखिए क्वेश्चन आंसर देखिए इसी चैप्टर के। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था, और वह बदलू को बदलू मामा ने कहकर बदलू काका क्यों कहा करता था। जब मैंने आपको चैप्टर समझाया, जब यही समझाया था ना बेटा कि जब भी जो लेखक जो थे बचपन में जब अपने मामा के गांव जाते थे तो चाव से क्यों जाते थे, क्योंकि वहां पर जो है एक बदलू नाम का मनियार रहता था और वो लाख की चूड़ी बनाने का काम करता था।
और जब वो लाख की चूड़ी बनाता था तो थोड़ा थोड़ा चूड़ी को जब सांचे में डालता था तो थोड़ा थोड़ा लाख बच जाता था, तो बच जाता था उनको वो गोल गोल कर देता था, और वो जब वो सूख जाती थी तो हार्ड सी गोलियां बन जाती थी, अलग अलग तरह के कलर के लाख होते थे उसके पास, तो वो गोलियां सारी जो बदलू काका थे वो लेखक को दे देते थे। तो इन्हीं गोलियों को पाने की इच्छा से लेखक जो है अपने मामा के गाँव चाव से जाता था। देखिए मैं इसका आंसर अभी पढ़ रही हूँ आपके सामने। बचपन में लेखक अपने मामा के गाँव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गाँव में लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला बदलू नाम का एक कारीगर रहता था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था, इसलिए लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था। इसी क्वेश्चन में बेटा एक दूसरा क्वेश्चन और है कि वो जो लेखक थे वो बदलू को बदलू मामा नहीं कहकर बदलू काका क्यों कहते थे। देखिए गांव के सभी बच्चे बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे, इसी कारण उन्हीं बच्चों की देखा देखी लेखक जो है बदलू काका को बदलू मामा नहीं कहकर बदलू काका कहा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? प्रचलित मतलब जो आजकल चली हुई है, वो पद्धति मतलब तरीका कि आजकल जो है विनिमय की यानी कि लेने देने की का तरीका जो है वो क्या है। देखिए वस्तु विनिमय में एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाता था, वस्तु के लिए पैसे न दे कर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ही दी जाती थी, किंतु अब मुद्रा चलन के कारण, मुद्रा क्या होता है पैसा, मुद्रा चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? पैसा है यानी कि धन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? मशीनी युग ने कितने ही हाथ काट दिए हैं? देखो ये है मशीनी युग ने हाथ काट दिए। हाथ काटने का मतलब बेटा यही नहीं होता कि हाथ ही काट दिए हो, यहाँ पर हाथ काटने का मतलब है रोजगार छीन जाना कि बंदू काका जब अपना काम हाथों से करते थे लेकिन कांच आ गया, मशीनें आ गई तो वो मशीनों से कांच की चूड़ियां बनने लगी तो उसके हाथ कट गए, यानी कि उसका रोजगार छीन गया था। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर, व्यथा होता है बेटा दुख, कि इस पंक्ति से लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? देखिए आंसर देखिए, इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया। कारीगर कौन होते हैं? जो हाथ से काम करते हैं, कि मशीन के आने से कारीगरों के हाथ में काम, हाथ से काम धंधा छीन गया, मानो उनके हाथ कट भी गए। मैंने अभी आपको बताया ना कि हाथ कट गए मानो उनका रोजगार छीन गया। उन कारीगरों को रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था, वे पीढ़ी दर पीढ़ी इसी कला को बढ़ाते चले आ रहे थे, पीढ़ी दर पीढ़ी। मैंने आपको बताया था ना कि जो बदलू काका थे वो अपना पैतृक व्यवसाय को अपना रहे थे लाख की चूड़ी बनाने का, और साथ ही साथ रोजी रोटी भी चला रहे थे, किंतु मशीन ने उनकी रोजी रोटी छीन ली थी कि मशीनी युग आ गया था तो उनका रोजगार छीन गया था। तो इस पंक्ति से लेखक क्या कह रहे हैं कि उनका रोजगार छीन जाने की और मशीनी युग के आ जाने से उनका रोजगार छीन जाने का जो उनका दुख था उस दुख की ओर उन्होंने संकेत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, देखिए बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? कि जब बहुत सालों बाद लेखक जो है बदलू काका के पास गए थे, काफी गैप के बाद जब वो बड़े हो गए थे, जब बदलू काका के पास गए थे तो पहले जैसा माहौल लेखक को वहां पर नहीं मिला था, फिर जो लेखक ने उनके साथ जो बात करी बदलू काका के पास, उन बातों से लेखक को भी महसूस हुआ कि बदलू काका के मन में कोई व्यथा यानी कि कोई दुख छिपा हुआ है। तो लेखक जो बदलू काका थे वो ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपा नहीं पा रहे थे, वो हमने इस आंसर में बताना है। वो क्या है देखिए, बदलू काका लाख की चूड़ियां बेचा करते थे, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया यानी कि कांच की चूड़ियां जैसे जैसे वहां की गाँव की स्त्रियां प्रयोग में लेने लगी तो उनका रोजगार जो है बिल्कुल खत्म हो गया। जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका पैतृक व्यवसाय जो है बिल्कुल ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय को बंद होता देख बदलू का मन दुखी रहता था, कारीगर लोग बेरोजगार होने लगे थे, जिन कांच की चूड़ियों से बदलू काका नफरत करते थे उन्हीं चूड़ियों को महिलाएं अधिक पहनने लगी थी। अब लोग कारीगर की कद्र न करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते थे, यही व्यथा थी कि लेखक से बदलू काका बता रहे थे। कौन सी व्यथा थी? कि कांच की चूड़ियां आ गई थी, स्त्रियां उनका प्रयोग करने लगी थी, और यही दुख था उनको कि कांच के आ जाने से जो है उनका लाख की चूड़ी बनाने का जो रोजगार है वो बिल्कुल बंद हो गया। तो यही व्यथा जो है बदलू काका ने लेखक को बताई थी। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, जो आपकी बुक के 5 क्वेश्चन थे उसमें 5th क्वेश्चन आपका है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया?
कि मशीनें आ गई तो बदलू के का जीवन पर उसमें क्या प्रभाव पड़ा, वो आपने इस आंसर में बताना है। इसमें आप बेटा अपने आप ही बनाकर देख सकते हो क्या हुआ कि मशीनी युग के आने से बदलू काका का पैतृक व्यवसाय जो है छिन गया, कांच की चूड़ियां जो थी वो चलन में आ गई, जिसके कारण लाख की चूड़ियां जो है उसने धीरे धीरे बनाना कम कर दिया, कम होते होते उसका जो लाख की चूड़ी बनाने का जो रोजगार था वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो इसमें हम अच्छी वर्डिंग में जो मैं आपको लिखना है वो बता रही हूँ, मशीनी युग से बद्दू के जीवन में यह बदलाव आया कि बद्दू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया, उसका शरीर भी कमजोर हो गया। जैसे हम कई बार काम नहीं करते तो धीरे धीरे बैठे बैठे हमारा शरीर जो है ढल जाता है, यानी कि एज्ड जल्दी होते हैं। जब हम रूटीन में होते हैं तो हमारी बॉडी भी काम करती हुई एक्टिव रहती है, जब हम काम नहीं करते हैं तो हमारा शरीर जो है धीरे धीरे ढल जाता है, तो उसका शरीर भी कमजोर हो गया। कमजोरी के कारण उसके हाथों और माथे की नसें भी उभर आई थी, अब वह बीमार रहने लगा, उसने अपनी गाय भी बेच दी। यानी कि जब मशीनी युग आ गया तो उनके साथ ये घटनाएं हुई थी, वो सारी हमने इस आंसर में बतानी है लिख के। ठीक है बेटा, ये 5 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ। अगर मैं एक्स्ट्रा आपको करवाना चाहूंगी तो आप नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगी, अगर नहीं करवाऊंगी तो आपका चैप्टर यहीं पर ये फिनिश होता है। अगली क्लास में हम अपने नए काम के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।